तो हम लोग आज बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स या फिर सांख्यिकी की, जिसमें हमें आप जानना है कि माध्य क्या होता है। पहली चीज है माध्य, या इंग्लिश में इसे कहते हैं मीन। और दूसरा हमें जानना है मीडियन, जिसे माध्यिका बोलते हैं। और तीसरा है मॉड, जिसे हिंदी में बहुलक बोलते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं सांख्यिकी, और सांख्यिकी का मतलब ये हो गया कि संख्याओं को रुचिकर ढंग से लिखने की एक विधा है। मतलब जैसे अगर अभी कहा जाए कि किसी की मार्कशीट अगर हमको देनी हो, और उसमें हर विषय को अलग अलग करके बढ़िया टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है, तो थोड़ा देखने में भी ठीक लगता है ना। और दूसरी भी विधाएं हैं, जैसे कि बार ग्राफ हो गया या पाई ग्राफ हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, वृत्त के अंदर त्रिज्यखंड बना बना करके दे देते हैं। मान लीजिए पाई ग्राफ बनाना होता है, तो ऐसे वृत्त होगा जिसका जो है ज्यादा रहेगा पोर्शन वो बड़ा रहेगा, जिसका कम रहेगा उसका पोर्शन छोटा रहेगा। तो कोई अनपढ़ आदमी भी देखकर बता सकता है ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। तो ये भी जो है एक सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाली चीज है। मतलब हम कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, संख्याओं को रुचिकर ढंग से लिखते हैं, जिससे कम पढ़े लिखे लोग भी देखकर ये बता सकें कि कौन ज्यादा स्कोर किया है, कौन कम स्कोर किया है। अब हमको बात करनी है माध्य और माध्यिका और बहुलक की। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं, क्योंकि सारा चीज जो होता है वो किस पर होता है, आंकड़ों पर। तो आंकड़े, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं डेटा। तो आंकड़े कुछ नहीं है, किसी भी घटना को संख्याओं में लिख देना। जैसे मान लीजिए आपने परीक्षा दी, हिंदी में आपको 30 नंबर मिले, अंग्रेजी में 25 मिले, गणित में 50 मिले। तो ये जो 30, 35, 25, 50, ये जो मैं संख्याएं बता रहा हूं, ये संख्याएं बेसिकली क्या है, ये उस विषय में आपके द्वारा कितना अंक हासिल किया गया या फिर कितना आप उसमें योग्य हो, उस योग्यता को संख्याओं में लिखा गया। किसमें लिखा गया? संख्याओं में। तो किसी भी घटना को किसमें लिख देना? संख्याओं में लिख देना। किसी घटना को संख्याओं में लिखना, संख्याओं में व्यक्त करना। तो संख्याओं में जो व्यक्त कर देते हैं वही क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं। कहीं भी लिख दो कि अगर 10 मजदूर है वो काम कर रहे हैं, पहला मजदूर 50 रुपए कमाता है, दूसरा 60, फिर तीसरा 30 कमाता है, 40 कमाता है। तो ये जो उनकी कमाई है उसको हमने संख्याओं में लिखा ना, इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। आंकड़े दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड और दूसरा होता है अनक्लासिफाइड। मतलब एक वर्गीकृत और दूसरा अवर्गीकृत। तो आंकड़े कितने तरीके के हो गए? दो तरीके के। एक होता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। तो जो आपका सिलेबस है उसमें अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में ही बताना है कि माध्य क्या, कैसे निकालोगे, माध्यिका कैसे निकालोगे, किस आंकड़े के लिए? अवर्गीकृत आंकड़े के लिए। अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों में सिर्फ इतना अंतर है कि जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं वो जैसे के तैसे लिख दिए जाते हैं। जैसे अभी हमने ये मजदूरों की कमाई लिखी है ना यहाँ पे, तो इसको वैसे का वैसे ही लिखा रहने देना। मान लीजिए कोई पाया है 70, कोई पाता है, कोई 80 पाता है, कोई 90 पाता है, कोई 30 पाता है, फिर कोई 35 पाता है। अगर इनको वैसे का वैसे ही लिखा रहने दो तो ये होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। लेकिन इसको अगर थोड़ा हम वर्गीकृत कर दें, मान लीजिए जैसे इसमें शुरू हो रहा कहां से, 30 से शुरू हो रहा और कहां तक जा रहा है? 80 तक जा रहा। कहां तक जा रहा? 80 तक, 90 तक मान लो जा रहा। कहां तक जा रहा? 90 तक। तो इसको वर्गीकृत करने का मतलब ये हो गया कि हम इसमें ये शुरू कर दें कि 30 से 40 तक का अलग, फिर 40 से 50 तक अलग, फिर 50 से 60 तक अलग, फिर 60 से 70 तक अलग, फिर 70 से 80 तक का अलग, फिर
फिर 80 से 90 तक, 90 तक है ये हमारे पास। अब यहां अगर मैं बात करूं 30 से 40 तक में, तो 30 से 40 तक में कौन कौन आ जाएंगे, 30 आ जाएगा और ये भी 30 आ जाएगा और ये 35 भी आ जाएगा। कितने लोग हो गए, 1, 2, 3। जब 40 तक बात हो तो 40 को नहीं लेना है, मतलब इसमें 30 ही रखना है। क्या रखना है, 3 रखना है। कितना रखना है, 3। 40 से कम तक के, अब जब 40 से 50 तक की बात हो तो 40 वाला ले लिया जाएगा, 45, 46, 47, 50 तक, मतलब कि 50 से एक कम तक वाले, ठीक है। 40 और फिर बस यही तो है, एक ही रहेगा, कितना रहेगा, 1। फिर 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में सिर्फ एक ही तो है ना, ये भी एक है। फिर 60 और 70 के बीच में एक ही है, 70 और 80 के बीच में एक है, और 90 के बीच में कितना है। तो इस तरीके से जो लिख दिया जाता है ये होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्या होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े। अब हम लोग बात करते हैं माध्य की, किसकी बात करेंगे, माध्य की। तो अवर्गीकृत आंकड़े के लिए अलग फार्मूला होता है, वर्गीकृत के लिए अलग होता है। अवर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्य का फार्मूला हो जाएगा सीधा सा, माध्य बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। यह किसके लिए है, अवर्गीकृत के लिए है। और माध्य को x बार से दिखाते हैं, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा x बटे n, सिग्मा x बटे n। इसमें कहीं पर बारंबारता की बात नहीं की गई है, लेकिन अगर बारंबारता दी गई हो, बारंबारता मतलब कोई कितनी बार आया है, 2 बार आया है कि 3 बार आया है कि 1 बार आया है कि 10 बार आया है ना, अगर बारंबारता दी गई हो तो यही फार्मूला दूसरे हिसाब से हो जाएगा, उसमें माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इस फार्मूले को ध्यान देना है, क्योंकि आप वाले में बारंबारता वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आंकड़े हैं और उनकी संख्या है ना। अब इसके बाद ये तो हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों का जो है माध्य निकालना। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकलेगा, वर्गीकृत आंकड़ों वाले में 3 विधियां आ जाती हैं। कितनी, 3। एक होती है जो है कल्पित माध्य विधि, और दूसरी होती है लघु विधि, और तीसरी जो है यही वाली काम कर जाती है, ठीक है, दीर्घ विधि। इसे दीर्घ विधि कहते हैं, कौन सी विधि कहते हैं, ये दीर्घ विधि है, दीर्घ विधि। इसमें समय ज्यादा लगता है। वर्गीकृत आंकड़े का अगर माध्य निकालना हो तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। इसमें कल्पित माध्य ए होता है, गुणे इसमें कर दिया जाता है एच से, ठीक है। तो ये हो गया किसका, वर्गीकृत आंकड़े का। अभी हमको इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ इसको ध्यान देना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन को। अब हम लोग बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, या मीडियन या माध्यिका, माध्यिका के लिए जो फार्मूला होगा, इसमें 2 फार्मूले बन जाते हैं अवर्गीकृत के लिए भी। आंकड़े अभी हम अवर्गीकृत की ही बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अवर्गीकृत की। 2 फार्मूले बनते हैं जब उनकी संख्या सम हो या जब उनकी संख्या विषम हो। जब आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो, सम संख्या हो, तब अलग फार्मूला रहेगा। और जब आंकड़े जो है वो क्या हो, विषम हो, तो जब विषम संख्या होगी, विषम का मतलब समझते हो ना भाई, सम का मतलब आंकड़ों की संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे दी गई हो, तो अलग फार्मूला रहेगा। और जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी, मतलब आंकड़े हो सकते हैं 3, 5, 7, 9 ऐसे होंगे, तो उनके लिए अलग फार्मूला होगा। सम के लिए फार्मूला क्या होता है, मीडियन बराबर हो जाता है या माध्यिका बराबर, माध्यिका इसका फार्मूला हो जाता है एन बटे 2 वा पद प्लस एन बटे 2 प्लस 1 वा पद पूरे का बटा 2।
ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि एन बटे दो वा पद क्या होता है, एन बटे दो प्लस वन वा पद क्या होता है, पूरे का बटे दो, ठीक है, क्या होता है इसको हम बताएंगे। अगर जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, फिर माध्यिका बराबर हो जाता है एन प्लस वन बटे दो वा पद। अब देखो जब विषम हो तो ये फार्मूला लगाओगे और सम हो तो ये फार्मूला। इसके पहले एक जरूरी काम करना ये होता है कि जब भी माध्यिका निकालनी हो तो जो भी आंकड़े दिए होंगे उनको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिख लिया जाता है। सबसे पहला काम क्या होता है, आंकड़ों को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उनको क्या कर लेंगे, हाँ, आंकड़ों को आरोही, चाहे आरोही में रखो चाहे अवरोही, अवरोही क्रम में लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद ही जो है ये फार्मूला लगाते हैं। तीसरा है बहुलक, बहुलक के लिए कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात ये होगी जो जितनी ज्यादा बार आया होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। जैसे यहां पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बार हम बात किसकी है, तीन है ना, मतलब जैसे कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए दो तीन चार दो एक दो पांच दो तीन नौ दो, अब इसमें अगर देखो तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, दो आया है, तो सीधी सी बात है बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बहु मतलब बहुत है ना, बहुत बार जो आए तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका, दो हो जाएगा। बहुलक के लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, फार्मूला इसका है एक जिसमें वर्गीकृत आंकड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो, लेकिन वो भी इसी नियम पे ही चलता है, जिसकी जितनी ज्यादा बारंबारता होगी सबसे ज्यादा बारंबारता वाला ही क्या होगा, बहुलक होगा। माध्यिका आपने समझ लिया, जब आंकड़ों की संख्या सम संख्या हो तो ये फार्मूला लगाओगे एन बटे दो वा पद और प्लस एन बटे दो प्लस वन वा पद बटे दो, और जब विषम संख्या हो आंकड़ों की तो एन प्लस वन बटे दो वा पद। अब ये कैसे यूज होते हैं, फार्मूलों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है माध्य निकालने में, माध्यिका निकालने में, ये हम अभी तुरंत जानते हैं।